गर्मी से शहर बेहाल है, इसकी चपेट में आकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में लगभग 20% मरीजों की संख्या इससे बढ़ गई है। इसमें सबसे अधिक उल्टी, दस्त और बुखार के मरीज शामिल हैं। गर्मी से शहर बेहाल है, इसकी चपेट में आकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में लगभग 20% मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इसमें सबसे अधिक उल्टी, दस्त व बुखार के मरीज शामिल हैं। देखिए, इस समय जैसा कि मौसम में चेंजेस आप देख रहे हैं, बारिश आ रही है, एकदम से गर्मी है, कल परसों बहुत गर्मी थी, तो इससे जो फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में आ रहा है, ह्यूमिडिटी में भी बहुत फर्क आ रहा है। तो उस वजह से स्पेशली एडल्ट्स में तो डायरिया का पेशेंट बहुत बड़ा है, दस्त उल्टी वाला पेशेंट बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। इसके अलावा खांसी जुकाम का पेशेंट्स एकदम से बढ़ा है, और इस समय थोड़ी सी हमारे सामने मुश्किल ये आ रही है कि ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पेशेंट को कोविड है या नॉन कोविड पेशेंट्स है। एसएन मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या बढ़ने से इमरजेंसी विभाग में बेड फुल हो गए हैं, भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में मरीजों को स्ट्रेचर पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। आजकल जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में, इस मौसम में पानी कम बरसता है, ह्यूमिड मौसम बहुत ज्यादा है, इसमें अक्सर जो हमारी ओपीडी में जो पेशेंट आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन के पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और वो पेशेंट जिनमें पानी की कमी होती है, जो डायबिटिक हैं, दवाइयाँ नहीं लेते हैं, इससे पेशेंटों को डायरिया बहुत प्रेजेंट कर रहा है, डायरिया हो रहा है और वायरल फीवर बहुत हो रहा है इस समय। तो मैं सबको सुझाव दूंगा पेशेंटों के लिए कि इन सब पेशेंटों को प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर लेते रहें, और जब इन पेशेंटों को पानी की कमी होती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके इमीडिएट दवा ले लिया करें। जिस तरह से आसमान से आग बरस रही है, उससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गर्मी की वजह से एक तरफ जहां लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं भीषण गर्मी में भी जो लोग अपने काम को लेकर बाहर निकल रहे हैं, उन्हें गर्मी की वजह से लू का सामना करना पड़ा है। ये सीजन ज्यादातर लूज मोशन और वायरल बीमारियों को बढ़ाने में प्रभावी रहता है, उल्टी, दस्त होना और खांसी जुकाम होना, ये सब परेशानियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं मरीजों में। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, 2 से 4 लीटर तक रोज पिए, तरल पदार्थ लें, सन में कम निकलें, धूप में कम निकलें, साफ स्वच्छ खाना खाएं, उबाल के खाना खाएं, कच्चा खाना ना खाएं। इसी का नतीजा है कि लोग बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।